एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस और उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने अवैध पिस्तौल और कारतूस की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि दो हथियार तस्करों से 9 पिस्तौल, 8 खाली मैगजीन और 13 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एटीएस और सुखेर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रतलाम निवासी हथियार तस्कर तौसिफ खान और एजाज खान को गिरफ्तार किया है। आपूर्ति और सप्लाई करने वाले हैं। उक्त सूचना महत्वपूर्ण थी। उक्त सूचना के सत्यापन और अग्रिम कार्रवाई हेतु तो हिमांशु सिंह थानाधिकारी सुखेर और स्थानीय एटीसी यूनिट की एक टीम गठित की गई। उक्त टीम द्वारा देर रात्रि कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक तौसीफ और दूसरा है एजाज। तौसीफ और एजाज मूलतः दोनों ही रतलाम जिले के रहने वाले हैं, एमपी के। तौसीफ पिछले लंबे समय से मल्ला तलाई में अपनी सिस्टर के यहाँ रहता है और एजाज जो रतलाम का रहने वाला है वह रतलाम में ही रहता है। तौसीफ एजाज के संपर्क में था और तौसीफ ने एजाज जो मुख्यतः आर्म्स सप्लायर है उससे संपर्क करके करीब 9 पिस्टल यहाँ आपूर्ति हेतु मंगाए, जिन्हें हमने कार्रवाई करते हुए पहले तौसीफ को 5 पिस्टल के साथ में और तत्पश्चात तौसीफ की इंफॉर्मेशन से फर्दर एजाज को 4 पिस्टल के साथ में रंगे हाथों मौके पर गिरफ्तार किया।